उग्र आंदोलन शुरू हो जाएगा कि सरकार रोक नहीं पाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है, निवेदन है कि किसी भी तरह से राम मंदिर पर जो है मोदी जी, जब SC ST पर कानून बन सकता है तो क्या राम मंदिर पर नहीं बन सकता है? आज जो है हम देख रहे थे राष्ट्रपति जी जब शपथ ले रहे थे तो जय श्री राम का नारा लगाए थे, तो जय श्री राम तो बोल रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदुओं के बीच में, हिंदुओं के तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ अयोध्या जैसे तीर्थ में, राम जन्मभूमि में, और आज रामलला टेंट में है, ये हम जो है तो बहुसंख्यक के साथ 100 करोड़ हिंदुओं के साथ हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी आस्था पर कुठाराघात किया जा रहा है। और अब तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चाहते हैं, तमाम मुसलमान चाहते हैं कि राम मंदिर बन जाए, क्योंकि बाबर भी देसी था, बाबर का नाम कोई नहीं चाहता है। 2% मुसलमान है जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, आतंकवादी टाइप के हैं, वही जो है फंडिंग करके और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं, बाकी सब चाहते हैं कि राम मंदिर बन जाए। इसलिए मैं यहाँ अमरण अनशन पर हूँ, मेरी मोदी जी से डिमांड है जब आप SC ST पर कानून जैसे बनाए वैसे राम मंदिर पर चाहे कानून बनाए चाहे जैसे भी हो राम मंदिर आप बनाइए, क्योंकि कोर्ट का जो मैटर होता है कोर्ट पर हम दबाव नहीं बना सकते हैं, कोर्ट पता नहीं कब तक खींचेगा, कितना लंबा खींचेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। और हमारी कई पीढ़ियां जो है इसी राम मंदिर को लेकर के चली गई, कितने कार सेवक हमारे शहीद हो गए, गोधरा में 6 बोगी कार सेवक जिंदा चला दिए गए, अशोक सिंघल जी चले गए, हमारे पूर्व न्यास अध्यक्ष श्री रामचंद्र परमहंस जी चले गए, हमारे जो है वर्तमान जो न्यास अध्यक्ष है श्री नित्य गोपाल दास जी, उनका भी चलना फिरना मुश्किल हो गया है। अब बीजेपी का कार्यकाल धीरे धीरे समापन की ओर है, आखिर राम मंदिर बीजेपी कब बनाएगी, कब राम मंदिर बनेगा, कितना हम लोग प्रतीक्षा करें, कितने लोग मरे। इसलिए हमने आमरण अनशन कर लिया है, या तो मुझे न्याय मिले और या तो फिर हम शरीर छोड़ देंगे। उस तरह का हम जो है जिस तरह लोग क्या करेंगे तोड़फोड़ करते हैं, उस तरह के आंदोलन के हम सपोर्टर नहीं है, क्योंकि देश का यदि 1 रुपए भी नुकसान हो रहा है, 1 रुपए भी जो देश का नुकसान करता है वो देशद्रोही है, वो देश का नागरिक कहने का अधिकारी नहीं है। लोग भारत बंद कर देते हैं, तमाम तरह के तोड़फोड़ करते हैं, उसको हम जो है उसके समर्थक नहीं है। आंदोलन हम न्याय के लिए कर रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं, हम अपने प्राण दे देंगे लेकिन देश का नुकसान नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं देखिए, किसी के आदेश पर मैं अपना आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा, लेकिन यदि प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री मोदी जी जो है वो अगर कहेंगे कि ये लिखित दें कि हम राम मंदिर बनवाएंगे और हमको तारीख बताएं कितने तारीख तक हम राम मंदिर निर्माण शुरू कर देंगे, तो आमरण अनशन मैं खत्म करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।